उसमें इंग्लिश का चैनल ओपन किए हर टीचर अपने अपने चैनल में टेस्ट पेस्ट करता है यूजली तो आप उसके चैनल में जाएंगे फिजिक्स है केमिस्ट्री है बायो है मैथ्स है जो भी है तो आपको नजर आ रही है ये दो टेस्ट एक आपको ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट नजर आ रहा है और एक आपको ये सब्जेक्टिव टेस्ट नजर आ रहा है तो इस ट्यूटोरियल में हम दोनों तरह के टेस्ट कैसे सॉल्व किए जाते हैं कैसे उनको आपने जो है वो फॉलो करना है ये सारा कुछ आप इंशाल्लाह इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे आइए सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट करते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट में तो तो व्यू तो थोड़ा सा टाइम रहा है मैंने बोला था कि जब आप इसको फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं किसी भी चैनल में तो ये टाइम लेती है तो ये यह आपका यहाँ सैंपल ऑब्जेक्टिव टेस्ट पड़ा हुआ है टेस्ट टीम का आप इसको ओपन करेंगे और आपके सामने जो माइक्रोसॉफ्ट फार्म्स की विंडो है वो टीम्स के अंदर जो है वो ओपन हो जाएगी और आप यहाँ अपना टेस्ट जो है वो सॉल्व uh, कर सकेंगे ये जो टेस्ट अभी आपके सामने आएगा जिसको मैंने यहाँ अपलोड किया है ये बेसिकली मैंने सिर्फ और सिर्फ टू क्वेश्चन जो है वो बुनियादी तौर पर पहले रखे हैं तो आपको ये दो क्वेश्चन नजर आ गए जी uh, ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट है इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि फ्रॉम द गिवन फोर ऑप्शंस प्लीज चूज करेक्ट स्विंग फॉर द वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स तो सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस विद इन दी टाइम मैं तो मुझे एक गिवन टाइम के अंदर जो टीचर ने दिया है करना है जी तो यहाँ नैरो चूंकि ब्रैकेट्स में है तो मैंने इसके लिए कन्फाइंड को टिक कर लिया इसका श्रोणिम और यहाँ ब्रैकेट्स में बियॉन्ड है तो इसका श्रोणिम मैंने अवे टिक कर दिया तो जैसे ही मैं इसको सबमिट करूँगा तो मेरे सामने वो थैंक्स का भी विंडो आ जाएगा और मैं अपना रिजल्ट भी देख सकता हूँ तो मेरा रिजल्ट आ गया जी मेरे पॉइंट्स टू ओवर टू आए मतलब मेरे दोनों करेक्ट हैं और साथ मुझे लिख के करेक्ट टिक लगाए थे वो एग्जैक्टली exactly करेक्ट थे आ, लगा और मुझे का बता जाता। ये वैसे टीचर पर होता है तो आपको ये टिक लगा हुआ नहीं आएगा और ना ही आपको यहाँ रिजल्ट आएगा देन उस केस में आपको टीचर जो है वो आपका बाद में रिजल्ट आपका पोस्ट करेगा वो आपको बाद में रिजल्ट बताएगा कि आपका क्या है ये दोनों ऑप्शन टीचर कोई भी ले सकता है फिलहाल जो ऑप्शन यहाँ मैंने जिसके साथ आप लोगों के साथ प्ले किया है वो जिसमें आपको क्लिक करते ही आपका रिजल्ट जो है वो पता लग जाता है और टीचर को भी ये रिजल्ट याद रखिएगा कन्वे हो चुका है आप वापस टीम्स में जाएँ और वो जो आपकी टीम है जो क्लास है उसको ओपन करें उसमें जिस क्लास का आपने टेस्ट देना है जैसे मैंने इंग्लिश का टेस्ट यहाँ देना है तो वो उस पर आ गया ऑब्जेक्टिव आप चूँकि पहले ही दे चुके हैं अब आप सब्जेक्टिव पर क्लिक करेंगे इस पर भी आप व्यू साइन पर क्लिक कर देंगे व्यू असाइनमेंट पर ये क्लिक करने के बाद हमारे पास ये जो है सब्जेक्टिव टेस्ट आप आपके सामने ओपन है तो आपका ये क्वेश्चन पेपर है जो टीचर ने आपके लिए अपलोड किया हुआ है तो आपने इस क्वेश्चन पेपर को क्लिक करना है इट माइट बी टीचर आपको ये क्वेश्चन पेपर अपलोड करने के बजाय पूरा रिटर्न क्वेश्चन ही सेंड कर दे राइटिंग की हूँ आप उनको भी सॉल्व कर सकते हैं और अगर टीचर ने आपको क्वेश्चन पेपर सेंड किया है तो वो इस तरह आपके सामने ओपन हो रहा होगा तो ये क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट्स ओपन होके आपके सामने आ गया इस क्वेश्चन पेपर को आप यहाँ से चाहें तो प्रिंट ले लें आप चाहें तो इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लें जो भी आप करना चाहते हैं आप इसको कर सकते हैं डाउनलोड करके बाद में ऑफलाइन तो टीचर आपसे यूजली इस तरह क्वेश्चन पेपर अपलोड करने का पर्पज ये होता है ताकि आप लोग उसको जो है वो यहीं पर क्या नाम लेते हैं किसी जगह पे आंसर uh, शीट पर सॉल्व करें सेपरेट पर और उस आंसर शीट की देन आपने पिक्स लेनी है ले। वो भी आपको समझाता हूँ आपने क्या करना है आपने इसके बाद यहाँ से बैक पे जाना है तो आप जाए तो यहां से भी डाउनलोड कर सकते तो यहां से भी वो डाउनलोड होकर आपके डाउनलोड सिस्टम के डाउनलोड्स के अंदर ये देखें जा चुका है और आप इसको यहां से ओपन कर सकते तो आप जब इसको एक सेपरेट आंसर शीट पर सॉल्व कर चुके होंगे बाद में तो उसके अपने पिक्स लेनी है आप उनको पिक्स की फॉर्मेट में भी अपने सिस्टम में कन्वर्ट कर लें या मोबाइल से भी अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ओपन किया है तो वहां से भी अपलोड कर सकते हैं या फिर आप उनकी पीडीएफ भी कन्वर्ट कर सकते हैं एक सॉफ्टवेयर है सी एस स्कैनर जी कैम स्कैनर हम कहते हैं सी एस लिखा आता है सॉफ्टवेयर में आप एप जो ऐप स्टोर है उसे डाउनलोड करें अपने मोबाइल में उससे जो आपका पेपर है वो कहता है स्कैन होगा और स्कैन होने के बाद जो पिक्स आ जाएंगे आप उनको मैजिक कलर में कन्वर्ट करते जाइएगा मैजिक कलर से वो बिल्कुल प्लेन और बिल्कुल स्कैन पेज की तरह आती हैं और आप उनको वहीं पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं तो पीडीएफ की जो फाइल है वो सारे आपके पेजेस इकट्ठे हो जाएंगे वो भी आप कर सकते हैं आप चाहें तो पिक्स की सूरत में कर दें आप चाहें पीडीएफ की सूरत में कर दें आप दोनों में यहाँ अपलोड कर सकते हैं अपलोड कहां से करना है ये वर्क का आपको नीचे लिंक नजर आ रहा है टेस्ट के नीचे आप इस वर्क को क्लिक करोगे जी तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी इसमें देखें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है कहां से ये अपलोड करनी है टीम्स में पड़ी है तो आपने चूंकि तस्वीरें नहीं होती है उसकी पीडीएफ बनाई होती है तो आप डिवाइस में जो है उसको पहुंचा चुके होते हो तो डिवाइस में जहां आपने वो रखी है जैसे मैं फर्ज करो इसको कहता हूं कि ये मैंने रखी थी आप इस पिक्स भी ले सकते हैं वहां तो मैंने इसको यहां अपलोड कर दिया तो फाइल आपको यहां अपलोड होती हुई नजर आ रही है तो जैसी फाइल अपलोड होगी ये डन वाला ऑप्शन जो है वो ऑन हो जाएगा तो आप इसको डन कर देंगे ले जी ये आपकी फाइल अपलोड हो गई अब आप ये ना समझिएगा कि आपका टेस्ट डन हो गया टीचर को पहुंच गया अपलोड हो गया जब तक आप जो टर्न इन का बटन जो है वो टैप

अभी और मेरी कुछ क्वेश्चन की पिक्स रह गई थी कुछ और पीडीएफ रह गई थी तो आप उन सबको ऐड करते जाए और दोबारा टर्न इन कर दें और टर्न इन एक बार फिर से जो हो जाएगा जब तक तक लिखाना है तब तक आपने समझ आना है कि आपका अभी तक आ, नहीं हुआ जैसे अन लिखा आ गया इसका मतलब टर्न इन हो चुका है इसको अन करना चाहे तो कर सकते तो ये बच्चे आपका टेस्ट अपलोड हो चुका है ये सब्जेक्टिव अच्छा बाजू का टीचर आपसे ये भी कर सकता है कि जहां ऑब्जेक्टिव टेस्ट लिया था टीचर ने आपका वहां वो आपको स्पेस दे सकता है टाइपिंग के लिए उसी ऑब्जेक्टिव वाले में कि आप क्वेश्चन लिखा और वहीं आप टाइपिंग कर कर अपने जो आंसर है वो टाइप कर दें तो लेकिन ऐसा अक्सर एनुअल सिस्टम वाले टीचर्स नहीं कर रहे होते उसकी रीज़न क्योंकि वो चाह रहे होते हैं कि बच्चे से किसी पेपर पर टाइप करवाएं ताकि आपकी प्रेजेंटेशन बने और आपकी जो राइटिंग प्रैक्टिस है वो प्रॉपरली हो सके और ज़ाहिर है आपको जो फार्मूलाज़ वगैरह लिखने हैं या दूसरी चीज़ें लिखनी है वो आप टाइपिंग में सारा कुछ बेसिकली नहीं कर पा रहे होते तो डेट इज़ वाईली टीचर आपसे लिखवा रहे होते हैं लेकिन अगर आपसे चाहें तो वहाँ भी एक शॉर्ट क्वेश्चन का टेस्ट ले सकते हैं और ऐसे राइटिंग टाइप का टेस्ट जो है वो ज़ाहिर वो तो इस सब्जेक्टिव में ही मुमकिन है तो देट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग हाउ टू टेक टेस्ट यू कैन आस्क इन दमेंट सेक्शन थैंक यू अल्लाह